तो बच्चों अपन ने जो कल पढ़ा था या इससे प्रीवियस लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था, प्रिपरेशन पढ़ी थी अपन, एल्केन टॉपिक चल रहा है। तो एल्केन टॉपिक में जो अभी तक अपन ने डिस्कस करा वो क्या क्या थे, रिडक्शन के अपन ने सभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसमें अल्का हैलाइड के बेस में जो जो रिक्वायरमेंट था अपन ने सभी वन बाय वन स्टडी करा था। टॉपिक पढ़ा था अपन ने रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन अपन ने एल्केन बना रहे हैं तो उसमें रिडक्शन अपने को कौन कौन से रिक्वायरमेंट है वो उसको लेते हुए अपन ने डिस्कस करा था। अब आगे का अपन देखते हैं कुछ रिएक्शंस है, नेमिन रिएक्शंस हैं, उनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। यह समझो कि जो अपन आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। एक है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फिर उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, एंड नेक्स्ट है जो लास्ट अपन पढ़ेंगे आज, RMGX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इतने टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसे अपन ने लिखा है, सबसे पहला है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन है क्या? इसमें ये समझो कि RX हैलाइड भी RX की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन बनता है। उसमें भी क्या होता है, जो मैकेनिज्म लगेगा वो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। इसमें जो सोडियम मेटल यूज़ करेंगे वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, या समझो कि वो रेडिकल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जनरली आपको पता है मेटल जो रहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, बट इन दिस रिएक्शन सोडियम मेटल इज रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल। तो देखिए शुरुआत करते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है RX लिया मैंने, और RX की रिएक्शन कराई मैंने ट्वाइस मेटल या ट्वाइस सोडियम के दो मोल लिए अपन ने रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई इथर, ड्राई इथर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो RX और इसके साथ में ये कंपाउंड बाहर करके NaX का फॉर्मेशन करेगा, ट्वाइस NaX, सॉरी यहाँ पर R आ जाएगा, दो R साथ में कंबाइन होंगे तो R बना देगा और NaX का फॉर्मेशन करता है। ये जो टॉप बना है जो कंपाउंड है ये है एल्केन। क्या बनाइए, एल्केन। अब यदि वुड्स रिएक्शन के थ्रू अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं मिथाइल क्लोराइड का। किसका, मिथाइल क्लोराइड का। अब देखिए मिथाइल क्लोराइड यदि लेते हैं तो अपन लेते हैं CH3Cl और इसके साथ में इसके ट्वाइस मोल CH3Cl की रिएक्शन ट्वाइस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, और जैसा कि इसमें लिखा यहाँ से प्रोडक्ट कन्वर्ट होके क्या NaCl बाहर करेगा, ट्वाइस NaCl और दो इथाइल ग्रुप साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH3। बोले तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है इथेन का फॉर्मेशन होता है, इन दिस रिएक्शन फॉर्म इज एल्केन, या ये जो रिएक्शन लिया उसमें इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यदि ये रिएक्शन आपको याद रखनी है तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर से मतलब यह है कि इसकी इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या इसके वर्क है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसमें CH4 या मिथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, डू नॉट फॉर्म, डू नॉट फॉर्म, ठीक है। CH4 का इसमें फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा, इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो इसमें ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा। और तीसरी चीज, इसमें यदि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ऑलवेज आपको सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल RX रिक्वायरमेंट रहेगा। दो मोल जो रिक्वायरमेंट है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। यदि आप इनको चेंज करते हैं, चेंज से मतलब यह है कि एक आपने इथाइल क्लोराइड लिया और एक मिथाइल क्लोराइड लिया, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक
ठीक है, वो जो रिएक्शन है उसे आप वुड्स रिएक्शन, सॉरी क्रॉस वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और यदि आपने सिमेट्रिकल यूज करा है तो सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो 2, 4, 6 या 8 के रेशो में आगे बढ़ेगा उसका प्रोडक्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, जो यहाँ पे यदि आपने एक लिया है तो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो उसका डाइमर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से लेवल बढ़ा के। जैसे ये कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में मैंने एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे लिया और इस कंपाउंड की रिएक्शन में टॉइस Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर लिया। ड्राई इथर के साथ यदि रिएक्शंस करा रहे हैं तो इस रिएक्शन का कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या फिर कितने आंसर हो सकते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। एक मैं अपने तरफ से इनके ऑप्शंस बना रहा हूँ तो आप लोग इनके ऑप्शंस को समझना और कोशिश करना कि इसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो और बताना क्या इसके क्या बनाया जा सकता है इसके आंसर। ये दिया है तो आप बताइए, यदि इनके ऑप्शंस ए बी सी और डी है तो इसका क्या ऑप्शंस बनाया जा सकता है या क्या आंसर हो सकता है, आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, कुछ टाइम दिया है। एक क्वेश्चन मैंने ये है और एक और क्वेश्चन लिख देते इसी के लेवल पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सिमिलर, टॉइस एने या मेटेलिक सोडियम, ये दो क्वेश्चन है और ऑप्शन दोनों के सेम ही है, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन दिए मैंने। तो आप इसका क्वेश्चन दिया है, आप इसके आंसर फाइंड आउट करिए, इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है, आप ट्राई करें। अब इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं नीचे वाला सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना। अब यदि मैंने इसका मैकेनिज्म बनाते हैं तो क्या हो सकता है इसका मैकेनिज्म, तो देखिए इसका मैकेनिज्म ट्राई कर रहे हैं। यदि आपको साइक्लो, अच्छा नाम की बात करें तो इसका नाम क्या जाएगा, 1,2,1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। इसके नाम की बात करें तो 1 और 3 लोकेशन पर, तो क्या नाम जाएगा, 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये इनके नाम हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको चेंज करके एक रिटर्न में दिया जाए, रिटर्न से मतलब स्टेटमेंट फॉरवर्ड में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसका करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो जब इसमें क्लोरीन और इनके बीच में आएगा तो इनमें होमोजीनियस ब्रेकडाउन होगा, क्लेवेज होगा, तो इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, एक फ्री रेडिकल बाहर जाएगा और टॉय सीएल रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले जब आप इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो पहले आपको ये मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी को अपन आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर जो ये रेडिकल है आपस में ही कंबाइन होके प्रोडक्ट ये बनाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर आप जो फ्री रेडिकल है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में पॉसिबल है कि आप यही एक फैक्टर बनाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर जी, इस केस में ये हो सकता है कि आपस में आप इन्हें आपस में ही ज्वाइन कर लें, लेकिन आपको यदि एरोमेटिसिटी के रूल पता है तो एरोमेटिसिटी रूल में कंपाउंड कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है उस पर फोकस करना होता है। आपको पता है यदि एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर जो उनका ऑर्डर होता है, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन, इसके बाद नॉन एरोमेटिक आएगा, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक आएगा, ये जनरल ऑर्डर होते हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए आपको पता है इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन चलता है, इसमें जो लगेगा कौन सा 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन रूल चलता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इनमें जो इसकी प्रॉपर्टीज, यदि इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टीज ब्लॉक होती है तो वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये अपने को पता है। तो आपको क्या देखना है कि इनमें से ये डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड यदि आ रहा है तो उस केस में वो किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आंसर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आएगा, मतलब इसके हिसाब से आप देखें तो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जब आप फर्स्टली आप इसमें आयंस को ब्रेक करेंगे या क्लोरीन को आप बाहर करेंगे तो रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, और यदि आप उनके रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो ऐसे केस में ऐसे कंपाउंड, दूसरा भी कंपाउंड आएगा और यहाँ पर आपस में ये रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इनमें से इसका डाइमर कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है जो पूछे गए हैं, इनमें शायद कोई PYQ है, आप लोग पढ़ना जरूर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपने फ्री रेडिकल देख लिया, या आपको जैसे कि इसमें CH4 मैंने दिया है, यदि आप इसे मिनिमम कंपाउंड देते, इसको एक कंपाउंड करेंगे, यदि आप मिथाइल क्लोराइड से ज़्यादा RX का फॉर्मेशन हो नहीं सकता तो कंपाउंड उससे ज़्यादा और स्मॉल हो नहीं सकता, इसलिए मिथेन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, यदि एक मिनिमम आप लेते हैं तो कंपाउंड आपको CH3 रेडिकल मिलेगा, लेकिन CH3 यदि रेडिकल है तो ऐसे केस में आप CH3 रेडिकल को और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, कुल मिला के हाइड्रोजन आके अटैक नहीं कर सकता कि हाइड्रोजन ऐसा रेडिकल है और ये आपस में कंबाइन होकर CH4 का फॉर्मेशन कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस रिएक्शन में मिथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, वुड्स रिएक्शन में। ये आपको बेटा पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या है इस रिएक्शन में। ये अब आते हैं सिमेट्रिकल, एवरी रिएक्शन के लिए आपको सिमेट्रिकल यूज़ करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर यदि इसमें अनसिमेट्रिकल यूज़ करते हैं तो क्या फैक्टर हो सकता है? यदि सिमिलर यूज़ करा तो नो डाउट, यदि आपने अल्काइल लिया है या मिथाइल लिया है तो प्रोडक्ट बनेगा इथाइल, यदि आपने इथाइल लिया है तो प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटाइल फॉर्मेट में ब्यूटेन बनेगा, यदि आपने प्रोपाइल लिया है, प्रोपाइल क्लोराइड है या प्रोपाइल हैलाइड है तो ऐसे केस में उसका डबल फॉर्मेशन होता है, बोले तो फॉर्मेशन में सिक्स में जाएगा। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो, यदि हमें प्रोपेन चाहिए तो सर ये क्या प्रोपेन बनाने के लिए ये प्रोसेस सही है या नहीं है? तो उसको समझने के लिए आप, क्योंकि 1/3 तो हो नहीं सकते या 1/2 तो हो नहीं सकता, तो उस कंपाउंड के लिए यदि आपको प्रोपेन चाहिए तो क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या इस प्रोसेस के थ्रू प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन का फॉर्मेशन है या नहीं है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है एल्केन की है, एल्केन का पॉसिबल है या नहीं है, उसको समझना है इस प्रोसेस में। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब सपोज यदि मैंने अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो क्या फंडा हो सकता है? एक मैंने लिया CH3Cl, एक लिया मैंने C2H5Cl, और इसकी रिएक्शंस कराई मैंने टॉइस Na के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किल, क्योंकि एक जो रहेगा कौन सा है, दूसरा, और दूसरा डिफरेंट रहेगा। लेकिन जब आप वुड्स रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो यदि आप वुड्स रिएक्शन के थ्रू चलेंगे तो वुड्स रिएक्शन में दोनों ही अल्काहलाइड सिमिलर होना चाहिए तो ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को आप मैकेनिज्म में देखेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखिए यहां से टॉइस NaCl तो रिमूव होगा, टॉइस NaCl, इसके बाद टॉइस NaCl के बाद क्या हो सकता है, यहां से CH3Cl, तो इसे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोडक्ट की? तो बेटा हो सकता है कि यही दो मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड ही आपस में रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे केस में मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, हो सकता है कि ये दोनों आपस मॉलिक्यूल कनेक्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि इसके ही दो मोल आपस में कनेक्ट हो जाए, या फिर इसके इथाइल के ही दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाए। तो आंसर की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीन आंसर की प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस में जनरेट हो जाएंगे, CH3 भी हो सकता है आंसर में, या फिर इसके टॉइस मोल आपस में कनेक्ट हो जाए, तो यदि वो कनेक्ट होंगे तो C2H5 बनेगा, या फिर इसका एक मोल और इसका एक मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो तो प्रोडक्ट बनाएगा C2H5CH3। अब देखिए क्या लॉजिक था, यदि आप अनसिमेट्रिकल यूज करते हैं तो आपको एक आंसर नहीं, मल्टीपल आंसर मिलेंगे, मल्टीपल कितने, तीन आंसर मिलेंगे, और ये तीनों जो है वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाता है।
अब बताइए यदि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है तो इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे? ऐसी रिएक्शन, अच्छा अब आप बोलेंगे सर यदि ये तीनों लिक्विड एक दूसरे में मिसेबल है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि तीन मिसेबल लिक्विड या मिनिमम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड एक दूसरे में सॉल्युबल है तो जनरली आप उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन भी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यदि आप किसी के बुकलेट सॉल्व करते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो याद रखना है इन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस है क्या बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप मिसेबल लिक्विड, बट कंडीशन ये है कि ये ऑन द बेस ऑफ या डिपेंड ऑन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड होता है। अब यदि आपने सपोज ए बी सी, सपोज मैंने ए नाम दिया, बी नाम दिया और सी नाम दिया है, और यदि ये तीनों ही लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो नो डाउट आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। सपोज ऐसा समझो कि यदि इसका टेम्परेचर 60 है, इसका 100 है, इसका 170 है, तीनों है, तीनों के सपोज है ना, तीनों के यदि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो जब आप इसे बॉइल करना शुरू करेंगे तो पहले बॉइल करके सेपरेट कौन होगा? जीरो से आप शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 60 डिग्री मिलेगा, तो पहले तो आप ए बी सी में ए अलग हो जाएगा, बचेगा बी और सी पार्ट। फिर आप जब उसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर और बढ़ा के 100 डिग्री तक पहुंचाएंगे तो फिर ए तो पहले सेपरेट हो गया, बचा क्या अपने पास? बी और सी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बी भी अलग हो जाएगा, और उसके बाद जब वन बाय वन आप दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप इन्हें अलग कर सकते हैं। बट इस केस में, किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जब आप तीनों का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है सिमिलर होता है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अब जब आप तीनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इनका सेपरेशन इस मेथड से भी नहीं किया सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और इन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। यही इसका नुकसान वाली बात है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इन्हें आप सेपरेट नहीं करते, जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो कैसा सॉल्यूशन होगा? तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और इस प्रोसेस में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो पूरा पूरा एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। तो कोई बात ही नहीं, जो 100% एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है उसको तो कोई आगे सॉल्यूशन करने की बात ही नहीं है। लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा, सपोज मुझे इथेन की रिक्वायरमेंट है, तो इथेन तो मैं इधर से निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया हमेशा ये क्या था, प्रोपेन रिक्वायरमेंट था जो इसका बनाने के लिए हमने कोशिश करी थी, लेकिन इसके साथ में दो और आया सर, इसकी क्वांटिटी प्योरनेस नहीं है। अच्छा चलो यदि प्योरनेस होता भी तो दूसरी मेथड से हमें सेपरेट करना चाहिए था, दूसरे मेथड से, यदि किसी मेथड से हम इन्हें सेपरेट कर लेते तो ये वाला प्रोडक्ट कुछ प्रोसेस करने के बाद कुछ क्वांटिटी में मिलता, लेकिन अब इस प्रोसेस से ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है इस प्रोसेस पे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा एक और चीज़, इस प्रोसेस को कुछ बुक में ये वुड्स रिएक्शन है तो इसका नाम क्रॉस वुड्स रिएक्शन भी लिखा होता है, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसे क्रॉस वुड्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सपोज मैंने आपको इस कंडीशन जनरेट कर रहे हैं कि प्रोपेन दिया, सॉरी एक प्रॉब्लम देते हैं और क्वेश्चन ये कहा कि इथाइल ब्रोमाइड और फिर इसके बाद प्रोपाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो इन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या हो सकता है, कोशिश करो सॉल्यूशन करने की, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या तरीका है, जैसे कि ऊपर जो अपन ने करा उसके बेस में डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। कुछ नहीं, आपको ये डबल दिया है, यदि आप ये दो मॉलिक्यूल है तो एक आंसर आपका 4 का रहेगा, मतलब एक आंसर आपका ब्यूटेन का होगा। ये आंसर प्रोपाइल है, 3 का है, प्रोपाइल 3 के लिए होता है, मतलब एक आंसर आपका 6 के लिए हो जाएगा। ठीक है, मतलब हेक्सेन होगा। एक आंसर इन दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब 3+2, मतलब एक आंसर आपका 5 के लिए होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होगा, ब्यूटेन का होगा, हेक्सेन का होगा, पेंटेन का होगा।
क्लियर है? ऐसा भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये थी बेटा वुड्स रिएक्शन और क्रॉस वुड्स रिएक्शन, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में जो जब वीडियो डालेगा तो आप उनके जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके नीचे उसका सॉल्यूशन या फिर आपको जो डाउट है वो आप उसके नीचे बता दीजिएगा, हम उसको अगला सॉल्यूशन आने वाले वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, दो रिएक्शन हो गई, ये प्रोसेस कंप्लीट। नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में इसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन Zn मेटल के साथ करवाई जाती है और इसमें Rx के साथ Ri की रिएक्शन Zn, बुक में लिखा होता है बेटा Zn डस्ट फॉर्मेट, Zn डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। सिंपल रिएक्शन है, इंटरचेंज रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट में Zn I2 और R का फॉर्मेशन होता है। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को, डायरेक्ट एक्सचेंज प्रोसेस होता है, दो कंपाउंड को अलग करो एक साथ जोड़ दो तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ऐसे रिएक्शंस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस में बढ़ते हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बाद जो रिएक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है वो समझो। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट है जिसमें सोडियम मेटल प्रेजेंट है, उसमें जो CO2 मिलेगा अपने को, CO2 रहेगा, CO2 ब्रेक करना है, उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे ब्रेक करना है। यदि वो ग्रुप ब्रेक हो जाएगा तो उसी को अपन कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, उसमें जो CO2 ग्रुप या COOH की जगह पर Na है उसका ग्रुप का ब्रेकडाउन होना चाहिए और उसमें आपको कंपाउंड बनाना है। आपको टॉपिक है अपना एल्केन का फॉर्मेशन, एल्केन बनेगा नो डाउट, इसमें देखेंगे अपन। चलो देखते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन अपना टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि ये रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम सॉल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझो। देखिए सबसे पहले इसमें आप ये समझो कि RCOOH बोले तो एसिडिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड की रिएक्शन आप करते हैं NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लेता है रिएक्शन। तो यहाँ पर इधर का H, चूँकि आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अपने में से H डोनेट करेगा और इधर करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, RCOONa। यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो बेटा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन बनेगा। मल्टीपल स्टेप मतलब यदि JEE के बच्चे हैं तो मल्टीपल स्टेप में ये एक फैक्टर आएगा रिएक्शन में, सॉल्यूशन में, या उस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे ये मिलेगा आपको। एसिड दिया जाएगा, NaOH दिया जाएगा, कंपाउंड में सोडियम सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट के आगे की रिएक्शन अब अपने करना है। अब इसकी जो रिएक्शंस करवाते हैं, सबसे पहले तो आप इसका रिएजेंट समझो बेटा क्या है। इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो होता है सोडा लाइम बोले तो NaOH प्लस CaO, कास्टिक सोडा प्लस NaOH बोले तो लाइम, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। और जब आप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या मिलता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये 1:1:3 के फॉर्मेट आपस में कंबाइन होता है तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट मतलब इसका रिएक्टेंट रेडी होता है। ठीक है, तो इसके रिएक्शन देखते हैं, RCOONa की रिएक्शन कराएंगे आप किसके साथ, NaOH। तो जब नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं तो पहले तो आप याद रखो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करेगा, तो इस रिएक्शन में याद रखना है NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, CaO रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लाइन वाला पार्ट रिएक्शन में एज इट इज रखा रहेगा बोले तो CaO, और यहाँ से NaOH रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा तो वो समझो। सबसे पहले यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, ये वाला H इसके पास जाएगा, कंपाउंड बनाएगा RH,
इसके बाद क्या क्या बचा अपने पास, NaO, और यहाँ से Na, टॉइस Na, आप रिएक्शन में ध्यान से देखो, Na2, यहाँ से CO, यहाँ से दो ऑक्सीजन और एक आपस में कंबाइन होकर CO3 का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस रिएक्शन में क्या देखा, ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड करवा रहे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो प्रोडक्ट हमें एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, एल्केन, एल्केन प्रोडक्ट मिलता है, और इसका बाय प्रोडक्ट Na2CO3 होता है। क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब यदि इस रिएक्शन एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैंने दिया CH3COONa, सोडियम एसिटेट की रिएक्शन करानी है, स्टेटमेंट लिखा है कि इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो आप तो यहाँ पे सीधे लिखो NaOH, NaOH ये वाला है जिसके पास जाएगा, कंपाउंड बनाएगा CH4, ठीक है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाए बना देगा Na2CO3, Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, यहाँ तक Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है। अब इस रिएक्शन में आगे का लॉजिक क्या है वो समझो, इससे कुछ जगह जो क्वेश्चन मिलते हैं वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड। अब उससे क्या क्वेश्चन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फंडा लॉजिक है इसका, तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें कोई, देखो यदि EWG ग्रुप अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यदि अवेलेबल है, तो याद रखना है इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये लॉजिक तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, क्या लॉजिक है कि यदि EWG ग्रुप बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस रिएक्शन में यदि यहाँ पर अवेलेबल है, तो याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन को EWG ग्रुप में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। इतने पॉइंट क्लियर है, फिर तो आप ये देखो इतने इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं कि इसे कुछ कंपैरिजन करते हैं कि ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, या अपने हिसाब से उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं क्या आंसर हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल CH3CH2CH2COONa एक ही दिया मैंने आपको, CH3CH NO2 CH2COONa, इसके बाद यहाँ पे एक NO2 ग्रुप अटैच करा, इसके बाद एक और ग्रुप CH3CH NO2 CH2COONa, इन सभी में रिएक्शंस करवा रहा हूँ मैं किसके साथ में, जैसे कि रिएक्शन पैटर्न है सोडा लाइम, सोडा लाइम इसमें भी आपको मैंने सोडा लाइम दिया, और थर्ड रिएक्शन में भी सोडा लाइम दिया। तो बेटा आपको बताना है कि इन तीनों रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, यदि मैंने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को R1, इसको R2 और इसे R3 दिया, तो बताइए इस रिएक्शन में या ये जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है इन तीनों रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है, ऑप्शन बस बना रहे हैं आप लोग, मैच करना है ना आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है, आपके अकॉर्डिंग आंसर को थोड़ा क्रॉस चेक करना क्या क्या हो सकता है। ए ऑप्शंस है R1 = R2 = R3, बी ऑप्शंस R1 R2 R3, सी ऑप्शंस है R2 R3 R1, एंड डी ऑप्शंस है R1 R2 R3, ऐसे फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शंस दिया है। आप वीडियो पॉज करके देखो इनमें से कौन सा आंसर परफेक्ट है, या ऊपर जो लॉजिक लिखा है कौन सा EWG ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अच्छा, यहाँ से इस रिएक्शन में कई बार पूछा गया है, ये एडवांस या फिर जेई मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस के लिए है, कि यदि आपको डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, तो उसका यदि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में उसका क्या फैक्टर है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में
क्या डिपेंडेंसी है, तो उस पर बेस्ड ये वाला लॉजिक आपको पता रहेगा तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। चलो बताओ बेटा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है तो देखो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और देखिए, अब देखो यहाँ से मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब यहाँ से इस ये इतना कार्बन सभी में कॉमन है, ठीक है ये ग्रुप तो सभी में कॉमन है। ये इस ग्रुप की बात करें तो ये है कौन सा, डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल है, तो अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग है तो मतलब सबसे लास्ट में जाएगा, वन सबसे लास्ट में किस में है, थर्ड वाले में, ठीक है थर्ड वाले में। फिर भी देखते हैं ये R2 जो है डिपेंडेंसी होता है ग्रुप के जो जितना ज़्यादा नियरेस्ट रहेगा, अभी NO2 कौन सा है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग ग्रुप जिस ग्रुप के जितना नियरेस्ट रहेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को उतना बढ़ाएगा। तो सेकंड वाले ऑप्शंस में और थर्ड वाले ऑप्शंस में देखते हैं इस ग्रुप के नियरेस्ट है NO2, कौन से में, सेकंड वाले में, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन R2 की ज़्यादा होंगी कंपेरेटिव टू R3, इसलिए R2 फिर R1 फिर इसके बाद सॉरी R2 R3 और R1, ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। तो आई थिंक आपको आज जितना पढ़ाया है जितना लिखा हुआ है वो सभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ये आपको समझ में आ गया है तो आप लोग इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट एल्केन की जो प्रिपरेशन है नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है अपने को, इसके और भी वीडियो अपने को मिलते रहेंगे। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर में। ओके बाय बाय।